मैं प्रॉपर पुणे की नहीं हूँ, मैं बाहर से, ऊपर मम्मी पुणे से है तो मम्मी को पता था बेरे क्लासेस बहुत पुराने हैं पुणे में, इसलिए बहरे क्लासेस ही लगाने थे। और जब बहरे क्लासेस लगाए उसके बाद समझा मेरी मासी भी बहरे क्लास में थी 20-22 इयर्स पहले। सर मैं यहाँ पे नहीं रहती तो मेरे मॉम डैड दूर रहते हैं यहाँ से बहुत, तो हम मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि नहीं होगा, दूर है, क्लास नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें क्लास की वजह से मेरे पे भरोसा आ गया कि नहीं वो अच्छा सिखाते इसलिए क्लास में जाती, वरना मैं पहले ऐसा होता था कि नहीं मुझे बहुत आलस आता है, लेकिन अभी मैं एक हद बार भी मिस नहीं करती कि नहीं ये चला गया तो आज तो पूरा मज़ा ही चला गया, फिर आज का पढ़ना ही चला, टॉपिक ही चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत मज़ा आता है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है, मतलब मेरे रिजल्ट बहुत बढ़ गए क्योंकि मेरे पहले नहीं होता था, मैं थोड़ी वीक थी, लेकिन जब से क्लासेस वगैरह लगाए तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। सर पेरेंट्स को भी ये टीचिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उनके टाइम पे टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, तो उनको डाउट पूछने में, थोड़ा एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था, पर इधर सब एंजॉयमेंट के साथ, मस्ती मजाक के साथ पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि बस मस्ती मजाक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है, पर ये टीचिंग टेक्निक्स से पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, मतलब बच्चों को समझ के, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करके, उनके लेवल से सब बात वगैरह करके पढ़ाते हैं, इसलिए पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको? सर मैं पिछले साल ऑनलाइन चल हो रहा था हमारे 11th वाला, तो मैं सब देखता था लेक्चर्स, तो पेरेंट्स भी कभी कभी आके बैठ जाते थे देखने को क्या चल रहा है फिर आपका वो टेट पिक्स पावना वाला लेसन, वो तो उन्हें भी याद हो गया था अब आपके पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है? मेरे पेरेंट्स पहले तो लाइक मैंने क्लास भी इसी साल लगवाया था, लाइक 12th में लगवाया था, 11th में मेरी पढ़ाई होती रही थी, बट यहाँ पे लगा, जब से लगाया तब से मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो गए, तो मेरे पेरेंट्स ऐसे खुश है कि बाबा इसको यहाँ पे भेज दिया तो अच्छा हो रहा है अभी। अच्छा आपका, आपने 11th यहाँ नहीं लगाया था तो कहीं भी लगाया था, कहीं नहीं लगाया था? नहीं लगाया था। अच्छा आपको क्या लगा 12th में ज्वाइन करने के बाद 11th लगाना चाहिए था कि नहीं लगाना? हाँ लगाना चाहिए था क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स काफ़ी सारे थे, तब अगर मैं लगा लेती तो आज मेरे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाते। 11th में बहरे में नहीं था, नॉर्मल क्लास में था, बट स्टिल मेरे को अभी लगता है मैं बहरे ही ये करना चाहता था। 11th से आते आपको 11th, मैं 11th में नहीं था इधर से, 11th से आते तो आपको हाँ तो और ज़्यादा परफेक्शन होता था। एक और क्वेश्चन उठता है बहुत बार कि सर हम 11th से नहीं डायरेक्टली 12th से क्लास लगाएंगे। नहीं नहीं वो बहुत रॉन्ग है सर, क्योंकि 11th पूरा आपका ये है बेस, कभी आपको बेस ही पता नहीं है तो आपका 12th में आके फ़ायदा नहीं सच में, क्योंकि मैं खुद 11th में था बट बहरे में नहीं था, नॉर्मल में था, बट मेरा बेस था इतना भी ये नहीं था बट ठीक था, तो बहरे में आके और अच्छा हो गया, तो क्लास लगाना चाहिए 11th में क्लास में। मैं 11th से ही बहरे क्लासेस में हूँ और सब बेसिक सब कुछ क्लियर है और सब सॉर्टेड है, तो और सब क्लास अटेंड भी किया, दो ऑनलाइन किया पर सब कुछ अटेंड किया और अभी भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आपने ऑनलाइन क्लासेस किया इसके बारे में क्या रही? कैसे टीचर वगैरह दिखते हैं कि नहीं दिखते ऑनलाइन? सब दिखता है, सब क्लियर होता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो बाद में रेफर करने के लिए वो कन्वीनियंट होता है, फिर रिविजन लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं इफ किसी ने क्लासेस नहीं अटेंड किए तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। क्लासेस मुलांच्या आवडीचे पालकांच्या विश्वासाचे, फॉर साइंस जी नीट सीईटी, फॉर कॉमर्स 11th 12th सीए 100% guaranteed result. Join today to feel the difference. Branches, Tilak Road, Karve Road, Sinhagad Road, Navi Pet. Call now. Bahire Classes, Mulanchya Avadiche.